दोस्तों, सिर्फ इसका एक चम्मच 3 दिन लगातार खा लीजिए, आपका लटका हुआ पेट 101% अंदर हो जाएगा। इनफैक्ट पेट ही नहीं, आपके बॉडी में जहाँ भी फैट है वो भी धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप खुद नोटिस करना शुरू कर देंगे, आपके अंदर इतने चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने इस रेमेडी को, जैसे ही आपके 3 दिन के अंदर चेंजेस नजर आना शुरू हो जाए, लेकिन आपने कंटिन्यूटी इसकी रखनी है 1 महीने तक। 1 महीने बाद आपने 15-20 दिन का गैप देना है और दोबारा से आपको 1 महीने के लिए इसको स्टार्ट करना है। आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर इतने बदलाव आ रहे हैं कि आपको इस चीज की लत पड़ जाएगी, और ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है जो आपके बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल करेगा और लंबे समय तक आपके बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल रखेगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जब तक हम उसको इनटेक करते हैं हमारा वजन कम रहता है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं वजन फूलने लगता है। लेकिन इसके साथ हमें अपनी डाइट में कुछ चीजें कट ऑफ करनी है और थोड़े से चेंजेस करने हैं जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमें अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, जिसके लिए हमें जानना जरूरी है इस रेमेडी को बनाना कैसे है, तो चलिए वो जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो एक लाइक होता है ना, वो बहुत ज्यादा अंदर से मोटिवेट करता है, एक अलग सा ही जोश और जज्बा भर देता है मेरे अंदर। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मोटापा एक ऐसी चीज है जो दिन ब दिन हमारे देश के लोगों में बढ़ती ही जा रही है। तो आपका एक शेयरिंग बहुत सारे लोगों की जिंदगी को खुशनुमा बना सकता है, तो कुछ लोगों का भला करिए, वीडियो को शेयर करिए। जानते हैं इसको बनाने का सही तरीका। इसके लिए आपको लेना है सबसे पहले 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम अजवाइन, दोनों को लेकर आपको तवे पर इसको भून लेना है 2 से 3 मिनट हल्की आंच पर। जैसे ये भून जाए गैस बंद कर दीजिए और इन दोनों को मिक्सी के जार में डाल लीजिए। साथ में हमें इसमें ऐड करना है एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, और इसके साथ हमें ऐड करना है 4 चम्मच काला नमक, और साथ में हमें ऐड करना है चुटकी भर हींग। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको कांच की शीशी में स्टोर करके रख देना है अपने बेड के पास। अब जान लेते हैं इसको लेने का क्या है सही समय। देखिए, सबसे पहले आपको चेंजेस क्या करने हैं, आपको रोजाना 8 बजे से पहले, यानी रात की जो 8 बजेंगे उससे पहले आपको डिनर खत्म कर लेना है, और उसके 1 घंटे बाद और सोने से 1 घंटा पहले आपको इस पाउडर को 1 चम्मच इनटेक करना है हल्की गुनगुने पानी से, ठीक है। और ऐसा ही आपको सुबह करना है खाली पेट। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको इसका 1 चम्मच लेना है बासी मुंह, उसके बाद ऊपर से गुनगुना पानी पीना है, और इसके 1 घंटे बाद ही आपको ब्रेकफास्ट करना है। ऐसा अगर आप दिन में 2 बार करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि मात्र 3 दिन में आपका कितना ज्यादा वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया है, विजिबल होगा, जो आपकी आंखों के सामने होगा। अब बारी आ जाती है टिप की। अगर आप इन टिप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ये रेमेडी आपके ऊपर वर्क बिल्कुल नहीं करेगी। तो प्लीज इसको फॉलो करें, मेक श्योर आप इसकी कंटिन्यूटी। इसके लिए सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, अपने डेली रूटीन में से चीनी को कट ऑफ करना है, और दूसरा है चाय। चाय को भी आपको इनटेक नहीं करना, क्योंकि चाय जो होती है हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल जहर होती है। फिर भी अगर आपको हैबिट है तो सिर्फ 1 ग्लास आप चाय पिए, यानी 1 कप चाय पिए, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आप चाय पीते हैं उसमें आप डालते हैं शुगर, 1 चम्मच शुगर करते करते दिन की आप 5 चम्मच शुगर ऐसे ही इनटेक कर लेते हैं, तो आपका वजन वैसे भी कम नहीं होगा। और जो चाय पीते हैं उससे आपकी बॉडी में एसिड बनता है, एसिड बनने से आपके ऑर्गन्स में फैट जमा होने लगता है, आपका शरीर में जो खाना है वो सड़ने लगता है, तो बिल्कुल भी आपके शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। तो चाय और चीनी को कट ऑफ करें। बाहर का जंक, तला भुना बिल्कुल कम खाना है आपने, बहुत ही कम, हफ्ते में 1 दिन या 2 वीक्स में सिर्फ 1 बार आपने बाहर का जंक फूड खाना है, या फिर आपको बहुत ज्यादा पराठे और ये सब इनटेक करना है। समझ लीजिए जिस दिन आपने बाहर का अगर थोड़ा बहुत खा लिया, या आपने बहुत घी लगे पराठे खाए हैं, तो उस दिन आपको वर्कआउट करना है, यानी एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि जो आप खाएंगे एक्स्ट्रा, आपने ओवरलोड कर लिया अपनी बॉडी में, तो उसको पचाना है। मेन प्रोसेस क्या है, जो हम खा रहे हैं उसको पचाना है, तो ये आपके नॉर्मल फूड को पचाएगा, आपके जहां भी फैट है उसको कम करेगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा लोड डालेंगे अपनी बॉडी पर, तो उसको पचाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत घर का काम करना, ऑफिस जाना मेहनत नहीं होता, मेहनत करना होता है एक्सरसाइज, वर्कआउट, अपने बॉडी से पसीने निकालना, अपनी बॉडी को थकाना, अपनी जो कंफर्ट जोन है जिसमें हम रह रहे हैं उससे बाहर निकलना। और एक्सरसाइज की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर है, जिनको आप देख कर फॉलो कर सकते हैं। और अपनी सबसे लाइफ में स्ट्रेस लेना बंद करें। स्ट्रेस जितना कम लेंगे उतना ही आप अच्छे रहेंगे, आपकी बॉडी नहीं फूलेगी, आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। तो प्लीज मैं आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का, आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। वीडियो करिएगा जमकर शेयर। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।